हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनी प्लांटर। ये देखने में जितना ब्यूटीफुल है ना, बनाने में उतना ही इजी है, और इसको बनाने में हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। बस मैंने इसको 20-30 रुपए में ही बना के रेडी किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कोई भी कंटेनर। आपके पास कोई भी पुराना कंटेनर पड़ा है तो उसको आप ले लीजिए, और उसका ऊपर का ये वाला पार्ट मैं कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ही साफ़ चाहिए, जिसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन ना बना हो। उसके बाद फिर मैंने लिया है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और इसको इस तरह से राउंड शेप में बना लूँगी, और फिर उसके बाद फॉइल पेपर की हेल्प से इसको मैं अच्छी तरह से कवर कर दूँगी। क्योंकि फॉइल पेपर का यूज़ करने से होता ये है कि जो हमने बीच में न्यूज़पेपर डाला होता है ना, वो बिल्कुल भी इधर उधर फिर नहीं हिलता है। इसकी हाइट मैं उतनी ही रखूँगी जितना कि मेरा ये कंटेनर है। और फिर उसके बाद मैंने इस तरह से इसमें दो होल कर लिए हैं, क्योंकि इसको मुझे इसमें फिर अच्छी तरह से बांधना है, ताकि ये कहीं भी हिले डुले नहीं। आप यहाँ पे इसको बांधने के लिए किसी धागे का यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, ये मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, तो मैंने इसी का यूज़ करके इसको यहाँ पर अच्छी तरह से बांध दिया है, ताकि ये कहीं भी ना हिले। आप यहाँ पे किसी भी स्ट्रॉन्ग धागे का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से नीचे से थोड़ा सा स्पेस मैं इसका छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे बाद में इसके लेग्स भी यहाँ पे बनाने हैं। और फिर इसके नीचे मैं अच्छी तरह से फेविकोल लगा दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। और उसके बाद इसके ऊपर भी अच्छी तरह से मैं फेविकोल को लगा दूंगी। और उसके बाद फिर मैंने बोल पुट्टी का डो बनाया है, और उसको बेलन की हेल्प से मैंने बेल के इस तरह से रोटी के जैसे बना लिया था। और फिर यहाँ पे इसको मैं इससे कवर कर दूंगी, पूरे को अच्छी तरह से मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी ऊपर नीचे से इस तरह से, और पानी की हेल्प से इसको मैं साथ के साथ स्मूथ भी करती जाऊँगी। और साथ ही मैंने इसके कान भी बना लिए हैं, क्योंकि मुझे इनको सुखाना है थोड़ा टाइम, क्योंकि ये एकदम से ये ऊपर नहीं लगेंगे, नहीं तो ये गिर जाएंगे। इनको सूखने के लिए मैंने रख दिया, और बाकी का काम तब तक मैं यहाँ पे कर लूँगी। और इस तरह से मैंने इसके हाथ बना लिए हैं, और फिर इसका मुंह भी इस तरह से मैंने बोल पुट्टी हेल्प से ही बना लिया है, और साथ के साथ पानी से मैं इसको स्मूथ भी करती जाऊँगी। यकीन मानिए, ये वाला प्लांटर बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही तो हमारा इसमें ज़्यादा खर्चा आता है। आपके सामने ही है, पुराना कंटेनर है, 10 रुपये की शायद ही बोल पुट्टी इसमें यूज़ हुई होगी, और थोड़ा सा ही इसमें फेविकोल यूज़ हुआ है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी ड्रेस भी बना के रेडी कर ली है। बहुत ही क्यूट बनी बन के रेडी हुआ है ये मेरा। और बाद में फिर मैंने इसकी इस तरह से यहाँ पर लेग्स भी बना दिए हैं। और ये यहाँ पे बन गए हैं इसके पैर दोनों साइड से। इसको मैं ऐसे ही बना लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि हमें इनकी इसकी जो लेग है उसके डायरेक्शन को सेम ही रखना है। इसको इधर उधर जहाँ भी आपको मतलब अच्छा लगे उस तरह से आप इसको रख सकते हैं। और इसकी ड्रेस के ऊपर मैंने एक छोटी सी पॉकेट लगा दी है, ताकि हमारे बनी है ना, जो इसमें थोड़े से कुछ पैसे भी डाल सके। ये देखिए, इसके कान तब तक सूख गए थे, और फिर इस तरह से मैंने इनको ऊपर से ना थोड़ा सा कट जैसा लगा दिया है, ताकि ये ना यहाँ पे आसानी से लग जाएं। और बोल पुट्टी का घोल लिया है मैंने इनको लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने इसके सर के ऊपर बोल पुट्टी को इस तरह से लगा दिया है, और ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर इसके ये कान भी लगा दूँगी। और फिर इनको मैं पीछे को स्पॉट दे के थोड़े टाइम के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए और कहीं भी हिले डुले नहीं। तो फिर इसको अच्छी तरह से सूखने के बाद मैंने इसके ऊपर किया है पेंट। इसका ये जो कंटेनर है ना, इसके ऊपर मैंने पेंट का यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्टली प्लांट लगाएंगे तो फिर ये ना ख़राब ना हो। और ये जो बनी है, इसके ऊपर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर कर दिया है। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर बॉल पेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छी तरह से मैंने सूखने दिया था। इसको अच्छी तरह से सूखने के बाद फिर मैंने इसके ड्रेस के ऊपर किया है ऑरेंज कलर। कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर ही किया है। आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ पे मैंने ये वाला प्लांटर ना ऑनलाइन देखा था,
तो ये काफ़ी महंगा था, उसमें ये 600 के अराउंड था ये, तो मुझे देखने में काफ़ी महंगा लगा था और इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे घर में ही बनाया जाए, तो इसलिए मैंने उसको बोल पट्टी से बनाया है। बिल्कुल भी ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, हार्डली 30 रुपये में ही ये मेरा बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी ड्रेस पे भी कलर कर दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसमें प्लांट लगा सकते हैं, नहीं तो आप कोई वाटर बॉटल लीजिए, उसको कट कर लीजिए इसके हिसाब से और उसमें कोई भी इंडोर प्लांट लगा सकते हैं आप, और इसको फिर आप घर के अंदर या बाहर कहीं भी रख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा लगता है बनने के बाद ये। तो देखिए ये हो गया कम्प्लीट, और इसको सूखने के बाद मैंने इसमें लगा दिया था ये वाला प्लांट। देखिए कितना क्यूट बन के रेडी हुआ है ये। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।